चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जिस तरह जो है वो पूछताछ की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट फॉल ऑन एनीवन्स शोल्डर्स। हम इसको देख के, इस तरह के वाकयात को देख के हम आगे चल पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इट इज जस्ट के मैं क्या करूंगा, आई विल पास द बॉन, I will not take the responsibility. हाँ जी, उसने किया, उसने किया, ये हमारा national character हो गया हुआ है. Nothing happens. And nothing happens. ये सब जब हमें आगे की तरफ बढ़ना होता है तो साथ ये भी देखना होता है कि हमने आइंदा ये गलती नहीं करनी. हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो रोज कर रहे हैं. ये गवर्नमेंट्स का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है. और ये बात हकीकत है, ये नविश्ता दीवार है कि हमने गलत पॉलिसी इख्तियार की और हमने उनको ये जगह दी अफगानिस्तान. तो हम इतने नेग्लिजेंट है कि आज 10 साल के बाद भी रो रहे हैं. आज एक सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस हवाले से कोई दोबारा नहीं है. आज आपकी इलेक्टेड लीडरशिप, आपकी अस्करी क्यादत, आपकी सियासी क्यादत, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना. तो फिर लोग आप हालत जंग में है तो कौमों की जिंदगी में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़े शख्स बड़े फैसले करते हैं. लेकिन गलतियों से सीख नहीं रहे. देखिए ना, आपके मुल्क में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, श्रीलंकन टीम हुआ. आप मुझे बता दे कितने लोगों को आपने, क्या उसकी JITB उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट फिक्स. लेकिन मैं उस वक्त एक DIG की, IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी इस किस्म के मेमोरेंडम्स तो हमें आते रहते हैं. अब बात ये होती है सर, APS में यही कहा गया. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि होना ये चाहिए, लेकिन बाज दफा नहीं होता कि कोई आपको ये बताएगा कि 2:10 पे पीले रंग की शलवार कमीज में दो बंदे गाड़ी के ऊपर से उतरेंगे, स्लो स्लो वॉक करेंगे, आएंगे, तो ये नहीं होता. होता क्या है, एक आपको तस्वीर दी जाती है, उस तस्वीर के अंदर से जिम्मेदारी होती है आपकी, उन लोगों की जो सिक्योरिटी के या लॉ एंड ऑर्डर, वो उसके अंदर से नतीजे अख्स करें. और इसको दुनिया में जो आपको जो कोलैबोरेशन करके, जो आप एनालिसिस करके, जो आप इंटेलिजेंस पिक्चर डेवलप करते हैं ना, वो चीजें होती है जिनको आपको करना पड़ता है. तो क्या आप ये करते हैं? ये हम नहीं करते. क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं? नहीं करते. अब इस किस्म के वाकयात तबातुर से पेश आते हैं, एक के बाद दूसरा हुआ. और अभी याद रखिए, आपको कॉशनरी होना चाहिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर आर अदर पीपल आल्सो. आपको देखा आर्मी में कितना हुआ, चौधरी असलम की डेथ आपको याद है? चौधरी असलम बड़ा हीरक आदमी था, मैंने उसके साथ भी, उसने हमारे साथ काम किया था. वो एक ऐसा आदमी था जो सड़क पे खड़े होकर दिगाओं में निगाह डाल के अगले को चले, वो मर गया. क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसको एक बुलेट प्रूफ कार नहीं दी. अब एक बुलेट प्रूफ कार एक ऐसे आदमी की कॉस्ट है जो आपको पता नहीं क्या क्या चीजें डिलीवर करके दे रहा है. तो बात यह है कि सर आपको अहाता करना है, ज़र्ब अज़ वहां नहीं खत्म हो जाता, वो उसके नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स यहां भी मौजूद, यहां पे मौजूद है. ब्रेक से मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा. बात हो रही थी अकाउंटेबिलिटी की, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीजे साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जो अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक, उसके बाद पाकिस्तान क्या हुआ, एक टोटल आइसोलेशन में चला गया. कल अनुराग ठाकुर इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि हमने तो पाकिस्तान से खेलना नहीं है जब तक दहशतगर्दी खत्म ना होगी, एंड देन वी हैव दिस अटैक. तो मेरे तो कान खड़े होंगे ना, मेरे तो कान खड़े होंगे, क्योंकि जितना फायदा इकोनॉमिकली पाकिस्तान की आइसोलेशन से हिंदुस्तान उठा रहा है, मेरा ख्याल है तालिबान भी इतना नहीं उठा रहा. सर, पुराने मैं बयान सुन रही थी शुजा खान ज़ादा साहब के, और उसमें जिस वक्त जमातुल अहरार की जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है उसकी बात आती है, तो वो स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि इनका नेक्सस है विद रॉ, रॉ के साथ इनका नेक्सस. तो हमने तो बहुत ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात, पीजे साहब बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की, पीजे साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ हमने प्रोग्राम किए हैं, वहां पे हमने कैटेगोरिकली उनको प्रूफ के साथ बताया है, वहां पे लिस्ट दी है कि कौन कौन से लोग. छोटा राजन एक नाम मैं आपको दूंगा, छोटा राजन डॉन है, गैंग है, वो आजकल रॉ के स्पेशल ऑपरेशन जो अगेंस्ट पाकिस्तान थे उसका हेड है, और अफगानिस्तान में पोस्टेड है. अजीत कुमार डेवल से उसका दारक रास्ता है, और इस तरह के 20 बंदे मैं आपको गिना सकता हूं. बात कहने की ये है कि ज़रबे अज़ जो है वो अपने दुश्मनों को पहचानने का नाम है. ज़रबे अज़ में आपने ये करना है कि कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है. अगर आप उसको डिवाइड करके अपनी अटेंशन को डिवाइड करेंगे, आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसमें, क्या आप उस कंप्लीशन पर पहुंचा सकते हैं? अब शुजा खानजादा अकेला नहीं था, उसके 3 कजन भी थे, एक DSP भी था शौकत शाह जो चले, ये तमाम बहुत